हेलो एवरीवन, एसएसटी में हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के इंडिपेंडेंट नवाब बन जाते हैं और उसके बाद वो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा बन जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ट्रेड पे टैक्सेस लगाना शुरू कर देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को कैलकटा में फोर्टिफिकेशन से रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि ट्रेड व्यापार पे टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को रोक दिया कैलकटा में किलाबंदी करने से, ठीक है। लेकिन अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उनके इस ऑर्डर को, वार्निंग को मानने से मना कर देते हैं। और इसके बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री पे, कहाँ था, कासिम बाज़ार में, ये हमला कर देते हैं। सिराजुद्दौला ने क्या किया, कासिम बाज़ार में जो इंग्लिश की फैक्ट्री थी उस पर हमला किया और कैलकटा को कैप्चर कर लिया 1756 में। अब क्या था, कैलकटा के हारने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये अपने ऑफिसर्स को, फोर्सेस को सेंड करती है, किसके देखरेख में, रॉबर्ट क्लाइव के देखरेख में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आती है कैलकटा, किससे लड़ने के लिए, सिराजुद्दौला के फोर्स से लड़ने के लिए। और इंग्लिश और सिराजुद्दौला के फोर्स में युद्ध होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है, प्लासी में होता है 1757 में। तो इसी युद्ध को बैटल ऑफ प्लासी बोला गया था और ये 1757 में होता है। और सिराजुद्दौला जो नवाब थे वो इस युद्ध में हार जाते हैं। हारने के बाद वो युद्ध से भागने में सफल होते हैं लेकिन बाद में उन्हें पकड़ के उनका एसासिनेशन कर दिया जाता है। एसासिनेशन का मतलब है उनको मार दिया जाता है। और सिराजुद्दौला के हारने की एक वजह थी, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मीर जाफर और भी राजाओं से उनका सपोर्ट हासिल कर लेते हैं। तो मीर जफर और बाकी लोगों से सपोर्ट मिलने के बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं सिराजुद्दौला को आसानी से हरा देते हैं और यही वजह रहती है सिराजुद्दौला के हारने की। अब जो प्लासी का जो बैटल था इससे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की शुरुआत होती है कंट्री में, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ब्रिटिशर्स होते हैं कैलकटा के अलावा बाकी जगहों पे भी अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल होते हैं। इस बैटल के बाद क्या होता है, जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो मीर जफर को नवाब बना दिया जाता है। लेकिन मीर जफर सिर्फ कहने के लिए नवाब थे बंगाल के, असल में वो ब्रिटिशर्स के हाथ का एक कठपुतली की तरह रह गए थे, क्योंकि मीर जफर ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। और अंत में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उनको बंगाल का नवाब तो बना देते हैं लेकिन वो मात्र कठपुतली बन के रह जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो खुद से अपना कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, ना ही वो टैक्सेस लगा सकते हैं और ना ही किसी तरह का वो ऑर्डर दे सकते थे, सिर्फ वो पपेट बन कर के रह जाते हैं मीर जफर, ठीक है। तो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी हम लोगों ने देखा। अब आगे आता है बैटल ऑफ बक्सर। मीर जफर के बाद क्या होता है, मीर कासिम को, उनके सन इन लॉ थे मीर कासिम, उनको नवाब बना दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। और मीर कासिम क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को राइट दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं कि वो मिदनापुर, चिटगांव और बर्दवान से रेवेन्यू या जो टैक्स है वो कलेक्ट कर सके। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखा इसमें बैटल ऑफ प्लासी में, सबसे पहले सिराजुद्दौला बनते हैं नवाब बंगाल के, फिर मीर जफर बनते हैं और अंत में मीर कासिम बनते हैं। लेकिन मीर कासिम जो क्या थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के हाथ की कठपुतली बनने से मना कर दिया था। इसका मतलब ये है कि वो खुद से अपना फैसला लेना चाहते थे, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज पे रोक लगा दी,
कस्टम ड्यूटीज पे रोक लगाने से क्या हो गया, जो इंडियन मर्चेंट्स थे, जो भारतीय व्यापारी थे, वो भी उनको भी वही अधिकार मिल पाए जो ब्रिटिशर्स को मिली हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने ये मतलब अच्छा काम किया था। तो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, तो मीर कासिम क्या थे, वो अपना बंगाल का फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारना चाहते थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके इस व्यवहार से परेशान हो गई थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मीर कासिम जो थे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग नहीं काम करना चाहते थे, वो बंगाल की भलाई के लिए काम करना चाहते थे और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति सही करना चाहते थे, लेकिन उनके इस व्यवहार से ब्रिटिशर्स घबरा गए और फिर से दोबारा उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जफर को वहाँ का बंगाल बना दिया, बंगाल का नवाब उनको बना दिया। तो इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसके बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।